अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़क तले हुए गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत क्रिस्पी और बहुत मजेदार बनता है। एज अ स्टार्टर आप इसे खा सकते हैं या फिर आप मेहमानों के आगे रख सकते हैं। झटपट से बन जाता है, बहुत चटपटे फ्लेवर के साथ, और इतना इजी मेथड है और कम मसाले के साथ, जो कि सिंपल से है, घर में अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ही मजेदार से ये कड़क तला हुआ गोश्त मैंने किस तरीके से तैयार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसके अंदर गोश्त ले लेंगे, जो कि आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन भी ले सकते हैं। और ये शेप आप देखिए, इस तरीके से क्यूब की शेप में आप काटे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सबसे पहले गोश्त को धो के कुकर में डाल देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे। तो नमक अपने हिसाब से कम ज्यादा स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक टीस्पून हमने डाल दिए क्रश करके हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर पेस्ट बनाकर हरी मिर्च को डाल देंगे। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यही मसाले डालने के बाद हम इस गोश्त को गलाएंगे, पानी थोड़ा सा डाल देंगे जिससे कि हमारा गोश्त गल जाए। तो एक कप के करीब मैंने पानी शामिल करा है और अच्छे से मिक्स दे दूंगी। तो आप इस रेसिपी को मटन में, बीफ में बना सकते हैं, मैंने बीफ में बनाया है। तो अब कुकर की लिड लगा के मैं इसको हाई फ्लेम पे, एक सीटी आने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे कुक करूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि 20 से 25 मिनट में हमें ये एकदम 100% तक कुक कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से गल जाना चाहिए हमारा गोश्त, कच्चा ना रहे। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर की लीड खोली है। तो ये देखिए पानी, इतना सारा गोश्त का खुद का रिलीज हुआ है। अब इस फ्लेम को हाई करके हम इस पानी को सुखाना है। तो पहले गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम इजीली टूट जा रहा है, यानी ये हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो हाई फ्लेम पे हम इसका पानी पूरा ही सुखा देंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, एकदम हाई गर्म कर लेना है, मतलब बहुत तेज गर्म होना चाहिए, उसी में हमने ये सारी बोटियां ट्रांसफर कर देनी है। तो इसको हमने तलना है, अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम भुन जाना चाहिए हमारा ये जो गोश्त है इस ऑयल के अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे स्पाइसेस के लिए, जैसे हमने डाल दिया 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से स्प्लिट करी हुई, और हमने 8 से 10 तेज करी पत्ते डाले हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करी पत्तों का, इनको जरूर डालिएगा। अब इन सबको डाल के मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है ना ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए और बोटियों के अंदर भी समा जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब इसके अंदर पाउडर मसाले जाएंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च और नमक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डालूंगी, यानी 1 नींबू आप चाहे तो निचोड़ के रख सकते हैं। मैंने इसे फ्रीज कर रखा था, तो मैंने ये नींबू का रस डाल दिया है। तो ये देखिए मजेदार सा तला हुआ गोश्त, चटपटा चटकारेदार हमारा तैयार हो गया है। एज ए स्टार्टर के रूप में आप इसे खा सकते हैं, या फिर रोटी चपाती के साथ साइड डिश के रूप में आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब करें। एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी, और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।